कहते हैं ना कि एक्सपीरियंस जो होता है वो हमेशा काम आता है। बिल्कुल सही कहते हैं, क्योंकि अगर आपको किसी स्पेसिफिक एरिया की डीप नॉलेज है और अच्छा एक्सपीरियंस है तो आप कंसल्टेंट भी बन सकते हैं और चाहे तो अपनी कंसल्टेंसी फर्म या बिजनेस भी शुरू कर सकते हैं। वैसे आप जानते हैं ये कंसल्टेंसी फर्म क्या होती है? सुना तो है, थोड़ा पता है, कोई बात नहीं, अगले कुछ मिनट इन्वेस्ट कीजिए इस वीडियो पर, आपको सब पता चल जाएगा। वैसे ये एक ऐसा बिजनेस होता है जिसमें किसी स्पेसिफिक इंडस्ट्री के एक्सपर्ट्स शामिल होते हैं जो अपने क्लाइंट्स को प्रोफेशनल एडवाइस, गाइडेंस और सॉल्यूशंस दिया करते हैं। और फिर प्रॉब्लम तो हर कंपनी के पास होती ही है और इन प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस कंसल्टिंग फर्म्स ऑफर करती हैं। तो आज के टाइम में ये वाकई में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बिजनेस बन चुका है जिसमें आपका एक्सपीरियंस और नॉलेज आपको अच्छी साइड इनकम दिला सकते हैं। और एक कंसल्टेंट कौन होता है? कंसल्टेंट यानी वो एक्सपर्ट जिसे एक स्पेसिफिक फील्ड या बिजनेस की डीप नॉलेज है और जो फीस लेकर इंडिविजुअल्स को और बिजनेसेस को उनकी प्रॉब्लम्स पर अपना पॉइंट ऑफ व्यू बताता है और उनकी सारी प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस प्रोवाइड कराता है। कंसल्टेंट किसी पर्टिकुलर फील्ड का एक्सपर्ट होता है जो कंपनी या किसी इंडिविजुअल के लिए एडवाइजर के तौर पर काम करता है। लेकिन बिजनेस में कंसल्टेंट की इतनी इम्पोर्टेंस क्यों होती है? वो इसलिए क्योंकि कंसल्टेंट कंपनी को मार्केट में सक्सेसफुली और एफिशिएंटली ग्रो करने में हेल्प करता है। बिजनेस की प्रॉब्लम्स आइडेंटिफाई करने और राइट डिसीजंस लेने में कंसल्टेंट हेल्प करता है। एक कंपनी की वर्कफोर्स को सप्लीमेंट करने के लिए भी कंसल्टेंट हायर किया जाता है। बिजनेस एम्प्लॉइज को ट्रेन और इंस्ट्रक्ट करने के लिए, न्यू बिजनेस डिविजन्स एस्टेब्लिश करने के लिए और बिजनेस को सही तरीके से चलाने के लिए भी कंसल्टेंट को हायर किया जा सकता है। अब अगर आपके पास भी किसी स्पेसिफिक फील्ड की नॉलेज है तो आपके लिए बिजनेस शुरू करना एक अच्छा ऑप्शन साबित हो सकता है। इसलिए आज के वीडियो में हम यही जानते हैं कि कंसल्टेंसी फर्म या बिजनेस कैसे शुरू किया जाता है। इसलिए वीडियो को पूरा जरूर देखिए ताकि आपको पूरी नॉलेज मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं और सबसे पहले ये जानते हैं कि कंसल्टेंसी बिजनेस के मेजर टाइप्स कौन कौन से हो सकते हैं। पहला टाइप है फाइनेंशियल कंसल्टेंसी बिजनेस। कंपनीज अपने फाइनेंसेस को अच्छी तरह मैनेज कर पाए इसमें उनकी हेल्प करना इस कंसल्टेंसी बिजनेस का पर्पस होता है। ज्यादातर लार्ज कंपनीज को ऐसी कंसल्टेंसी फर्म की जरूरत पड़ती ही है जो कि उनकी प्रॉब्लम्स को दूर करने में सजेशंस दे सके। दूसरा टाइप, आईटी कंसल्टेंसी बिजनेस। आईटी फील्ड में एम्प्लॉइज की प्रोडक्टिविटी इंश्योर करने के लिए एक टेक्नोलॉजी कंसल्टेंट हायर किया जाता है जो ये इंश्योर करता है कि सॉफ्टवेयर और टेक्नोलॉजी सही तरीके से काम कर रहे हैं। इन आईटी कंसल्टेंट्स को कई सारे टास्क के लिए हायर किया जा सकता है जैसे सॉफ्टवेयर एडमिनिस्ट्रेशन और डेटा एनालिसिस। डिवाइसेस और प्रोग्राम्स की सिक्योरिटी को इंश्योर करना भी इनका टास्क हो सकता है। तीसरे टाइप में है मार्केटिंग कंसल्टेंसी बिजनेस। मार्केटिंग कंसल्टेंट्स के लिए बहुत सारे एरियाज ओपन रहते हैं क्योंकि मार्केटिंग एक बहुत बड़ा एरिया है और इन कंसल्टेंट्स का काम न्यू स्ट्रेटजीज बना करके कंपनीज की हेल्प करना होता है। चौथे टाइप में है ऑपरेशंस कंसल्टेंसी बिजनेस। एक ऑपरेशंस कंसल्टेंट डेटा और रिसर्च की मदद लेकर कंपनी को अपनी ऑपरेशनल परफॉर्मेंस इंप्रूव करने में हेल्प करता है, जैसे कॉस्ट को रिड्यूस करने में, बिजनेस एफिशिएंसी इंक्रीज करने में या कंपनी की प्रोडक्टिविटी एनहेंस करने में। पांचवा टाइप है कंप्लायंस कंसल्टेंसी बिजनेस। हर बिजनेस के लिए जरूरी है कि वो स्टेट और लोकल लॉज एंड रेगुलेशंस को फॉलो करे और इसमें बिजनेसेस और एंटरप्रेन्योर्स की हेल्प करता है कंप्लायंस कंसल्टेंट जिसे इस एरिया की अच्छी खासी नॉलेज होती है। तो ये तो हो गए डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंसल्टेंसी फर्म्स। अब आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कंसल्टेंसी फर्म शुरू करने के मेजर स्टेप्स कौन कौन से हो सकते हैं। पहला स्टेप है प्रॉपर क्वालिफिकेशन लीजिए। आपकी एडवाइस किसी बिजनेस के लिए बहुत जरूरी होगी, इसलिए उसका पूरी तरीके से सही होना और अप टू डेट होना बहुत जरूरी होगा। ऐसे में जरूरी है कि आपने उस फील्ड में ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन कम्प्लीट कर रखी हो। जैसे कि कंप्लायंस कंसल्टेंट बनने के लिए आपके पास बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन या लॉ जैसे एरिया में बैचलर डिग्री तो होनी ही चाहिए और मार्केटिंग कंसल्टेंट बनने के लिए मार्केटिंग या कम्युनिकेशंस में बैचलर डिग्री होनी जरूरी है। दूसरा स्टेप है अपना नीश चूज करें। जिस भी एरिया में आपके पास एक्सपर्टीज है उसे ही कंसल्टेंसी बिजनेस के लिए सिलेक्ट करें क्योंकि आपकी एक्सपर्टीज ही आपको इस बिजनेस में सक्सेस दिला सकती है। तीसरा है अपना कंसल्टेंसी बिजनेस प्लान डेवलप करें। कंसल्टेंसी बिजनेस शुरू करने के लिए आपको कंप्लीट स्ट्रेटजी बनाने की जरूरत होगी। इस बिजनेस प्लान में आपको अपने बिजनेस की प्रॉपर रिसर्च करनी होगी और अपना बजट और लोकेशन भी सेट करने होंगे। आप एम्प्लॉइज हायर करेंगे या नहीं इसे भी अपने बिजनेस प्लान में आप मेंशन कीजिए। चौथा स्टेप आता है कंसल्टेंसी लाइसेंस ले। अपने नीश और बिजनेस प्लान के साथ साथ जब आप कंसल्टेंसी फर्म को ओपन करने के लिए श्योर हो जाते हैं तब गवर्नमेंट अप्रूव्ड लाइसेंस लेना आपका अगला स्टेप होगा। ये कंपनी सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म या लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप के रूप में शुरू की जा सकती है।
आपको GST रजिस्ट्रेशन, ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन की जरूरत होगी और आपकी कंसल्टेंसी फर्म के टाइप के अकॉर्डिंग आपको सर्टिफिकेशन की भी जरूरत हो सकती है, जैसे कि एक फाइनेंस कंसल्टेंट जैसे चार्टर्ड अकाउंटेंट या कॉस्ट अकाउंटेंट के पास ICAI का लाइसेंस होना जरूरी है। पांचवा आता है लोकेशन सिलेक्ट करें। अपने कंसल्टेंसी बिजनेस को एस्टेब्लिश करने के लिए भी आपके पास परफेक्ट लोकेशन होनी जरूरी है, इसलिए ऐसी लोकेशन चूज करने की कोशिश करें जिस तक ज्यादातर लोगों की पहुंच हो सके, यानी किसी बिजनेस हब, मार्केट या रेजिडेंशियल एरिया के पास। लेकिन अगर आप स्मॉल स्केल पर शुरू करना चाहते हैं तो शुरू में अपना बिजनेस अपने घर से भी आप रन कर सकते हैं। छठा स्टेप आता है एडवर्टाइज करें। अपनी फर्म को प्रमोट करने के लिए आप अपनी सर्विसेज बहुत सारी वेबसाइट्स पर लिस्ट कर सकते हैं और अपनी खुद की वेबसाइट भी शुरू कर सकते हैं ताकि आपकी टारगेट ऑडियंस की पहुंच आप तक हो सके। और इस तरीके से इन 6 स्टेप्स को फॉलो करते हुए आप अपनी कंसल्टेंसी फर्म को शुरू भी कर लेंगे और दूसरों की प्रॉब्लम सॉल्व करने वाले इस बिजनेस को कभी प्रॉब्लम में पड़ने भी नहीं देंगे, यानी आप अपने बिजनेस की ग्रोथ के रास्ते खोलना अच्छी तरह जानते होंगे क्योंकि आप एक्सपर्ट जो हैं। तो दोस्तों, ये एक फ्लेक्सिबल जॉब है, लेकिन इसमें आपको बहुत सारे चैलेंजेस भी मिल सकते हैं जिन्हें पार करने में आपकी नॉलेज ही हेल्प करेगी। इसलिए सबसे ज्यादा फोकस अपनी नॉलेज पर करें और उसके बाद अपने परफेक्ट बिजनेस प्लान पर। और फिर इस वीडियो के जरिए भी आपको कंसल्टेंसी फर्म या बिजनेस शुरू करने से रिलेटेड इम्पोर्टेंट जानकारियां मिल गई हैं, तो आपके लिए इस बिजनेस आइडिया को समझना और भी आसान हो गया होगा। तो हमें कमेंट सेक्शन में लिख करके जरूर बताएं कि वीडियो आपको कैसा लगा, जानकारी आपको कैसी लगी। स्टिल कोई सवाल है जिसके बारे में आप जवाब ढूंढ रहे हैं तो वो सवाल आप प्लीज पोस्ट कर सकते हैं। और कुछ कहना है? हाँ, यही कि लाइक आपने कर दिया है तो इस वीडियो को प्लीज अपने दोस्तों के साथ जरूर से शेयर करें। कई बार क्या होता है ना कि जो लोग हमें सजेस्ट करते हैं कि आपको ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, उसके अलावा कभी कभी कुछ नई चीजें जब हम सुनते हैं, देखते हैं, उसके बारे में पता चलता है तो हमारे दिमाग को लगता है कि शायद हम ये कर सकते हैं। तो ये वाला जो वीडियो है वो कुछ ऐसा ही है कि बहुत लोगों को शायद ना पता हो या हल्का फुल्का पता हो, लेकिन ये जानकारी मिलेगी तो शायद उन्हें एक नया ऑप्शन समझ में आएगा और मे भी शायद ये उन्हीं के लिए बना हो। तो ये शायद ना कंफर्म तब हो सकता है जब आप ये वीडियो शेयर करें और वाकई में इस जानकारी का लाभ उठाएं। वैसे ऐसी ही कमाल की जानकारियां हमेशा आपको मिलती रहे उसके लिए सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। रूबी आपसे मिलेगी अगली जानकारी अगले वीडियो के साथ बहुत जल्दी ही क्विक सपोर्ट चैनल पर। धन्यवाद।